स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, जो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम को जाके पढ़ लीजिए और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन से। आपका प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, उत्पादन क्या होता है। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन कारकों या उत्पादनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार वस्तुएं बनाई जाती हैं और इसका उद्देश्य लोगों द्वारा की गई तैयार वस्तुओं की मांग को पूरा करना। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, उत्पादन, जैसे कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और जो कच्चे माल जो होते हैं, जो मटेरियल्स है उससे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्यों ये करते हैं, क्योंकि ये वस्तुओं की, जो प्रोडक्ट की जो हमारी यूज़ रहती है, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है। दूसरा होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन इन हिंदी उत्पादनों इनपुट्स एवं उत्पादनों आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप को उत्पादन फलन कहा जाता है। और उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उत्पादनों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, कितना इनपुट हमने यूज्ड किया और कितना आउटपुट हमको हमने यूज्ड किया, तो उन दोनों का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, इनपुट यूज्ड का मतलब जितने हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो मटेरियल है, और जितना हमने आउटपुट यूज्ड किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। मीन्स एक फंक्शनल रिलेशनशिप, जितना हमने इनपुट यूज्ड किया और जितना आउटपुट यूज्ड किया उसी को रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। उत्पादन के विभिन्न कारक हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, वही उत्पादन समान एवं सेवाएं हैं। गणितीय फलन के रूप में फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं QFLK। क्यू का मतलब होता है हमारा ऊपर, क्यू का मतलब है उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, और क्यू का मतलब होता है श्रम, श्रम का मतलब हो गया लेबर, और के का मतलब हो गया मशीन से। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। अब अतः यह फलन श्रम एवं मशीनों जैसी संसाधनों एवं कुल उत्पादन के बीच संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन फंक्शन है। आउटपुट जैसे फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, स्किल्स, नॉलेज, ठीक, रॉ मटेरियल। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो होते हैं वो दो तरह के, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे दोनों टाइप्स के। अवधि के आधार पर उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है हिंदी। पहला है अल्पकाल उत्पादन फलन, दूसरा है दीर्घकाल उत्पादन फलन। पहला है जो अल्पकाल उत्पादन फलन मीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, पहला जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकाल या शॉर्ट रन एक ऐसा समय होता है जब हम उत्पादन के सभी उत्पादनों को नहीं बदल सकते, हम केवल परिवर्तित उत्पादनों कार्य जैसे श्रम में बदलाव जाकर लाकर उत्पादन में बदलाव ला सकते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन दो तरह के कारक होते हैं, स्थिर कारक, परिवर्तित कारक। यहाँ कह रहा है शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फर्म क्या होती है, सारे इनपुट से वेरी कर सकती है। एक फैक्टर्स क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और अदर फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल इनपुट का मतलब हुआ कि जो हमने रॉ मटेरियल के हिसाब से जो वेरी होते रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल आउटपुट के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे दो होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक स्थिर कारक, एक परिवर्तित कारक। ठीक है, तो हमारे इसमें फिक्स्ड क्या होता है, कुछ फैक्टर, वन फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, अदर फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर। स्थिर कारक एक ऐसे कारक होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसे मशीन, भूमि एवं बिल्डिंग ऐसे उत्पादन के साधन होते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इसमें ये क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। और परिवर्तन वेरिएबल फैक्टर, परिवर्ती कारक का मतलब हुआ जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे श्रम हो गए, ठीक है, कच्चा माल। अब इसमें हमारी तीन चीज़ें आती हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। पहला हम स्टार्ट करते हैं कुल उत्पादन में, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, परिवर्ती साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है, उत्पादन को कुल उत्पादन कहा जाता है। मीन्स TP इज इक्वल टू AP इंटू क्या होता है हमारा, क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स कुल उत्पादन का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट मीन्स रिलेशनशिप होता है, जितना भी वेरिएबल इनपुट और आउटपुट, किसका रिलेशनशिप होता है, वेरिएबल इनपुट और आउटपुट का, हमें हम कितना वेरिएबल इनपुट लगा रहे हैं और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इंटू
क्वांटिटी। दूसरा होता है सीमांत उत्पादन, मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, परिवर्ती साधन की एक और इकाई के प्रयोग करके उत्पादन होने के बाद जो कुल उत्पादन में जो बदलाव आता है उस उत्पादन को सीमांत उत्पादन कहते हैं। मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। सीमांत उत्पादन मीन्स मार्जिनल, मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होती, सीमांत उत्पादन होती है। मीन्स चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट, ठीक है, कितना चेंज हुआ एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर। नेक्स्ट है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट। परिवर्तित साधन की प्रति इकाई में जितना उत्पादन होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। मीन्स क्या हुआ कि जितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया पर यूनिट, और जितना वेरिएबल है वेरिएबल इनपुट का, मतलब जितना हमने क्या लगा आउटपुट प्रोड्यूस किया पर यूनिट और वेरिएबल ऑफ वेरिएबल इनपुट, मीन्स प्रति इकाई में जितना उत्पादन होता है उसे हम औसत, मीन्स ए पी जो हो जाएगा औसत उत्पादन इज इक्वल टू टी पी अपॉन क्यू, मीन्स टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। अब इसमें कुछ आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक, कारक के प्रतिफल का नियम। कारक के प्रतिफल के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के समय सभी साधनों को सतत रखते हुए केवल एक परिवर्तित कारक को बढ़ाते जाते हैं, पहले प्रतिफल बढ़ता फिर घटने लगता होता है, यह निरंतर होते जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम उत्पादन के सारे साधनों को लगाते हैं तो पहली बार क्या करता है वो बढ़ता है, उसके बाद घटने लगता है, फिर उससे क्या होता है और नीचे आने लगता है, ठीक है, पहले इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये है इसका, पहले क्या हो रहा है ये जो लाइन जा रही है हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है बढ़ती जा रही है, फिर क्या रहा है ए पी एवरेज प्रोडक्ट, एम पी क्या हो जा रहा है निगेटिव में आ जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। अब इसमें क्या क्या होगा, कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन एम पी में संबंध, टोटल प्रोडक्ट और सीमांत उत्पादन में क्या अंतर होगा, ठीक। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, ठीक है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, जब टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है तेजी से बढ़ता है, और जब सीमांत घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और जब तीसरा सीमांत शून्य पर हो जाता है तो कुल उत्पादन अपने आप अधिकतम स्तर पर होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है सीमांत उत्पादक के ऋणात्मक होने के बाद कुल उत्पादन घटने लगता है, तो ये क्या होता है कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध है, ठीक। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है, मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है तो औसत उत्पादन बढ़ने लगता है, ठीक, और जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पादन डिक्रीज करता घटता। नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन बराबर होते हैं तो तब औसत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर होता है, मीन मैक्सिमम पॉइंट पे, और सीमांत उत्पादन आगे जाकर ऋणात्मक हो जाता है लेकिन औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक रहता है, ये चीज़ बता। अब बढ़ता क्यों है, मीन्स इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है? पहला कारण है उसका स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग की वजह से होता है, ठीक है, साधन जब बढ़ते हैं तो साधन जो पूर्ण तरह इसलिए बढ़ोतरी होने हुई लगती है। दूसरा कि श्रम विभाजन में कुशलता में वृद्धि होती है, ठीक है, श्रम के साधन बढ़ते हैं तो विशिष्ट कार्यों के लिए विभिन्न सीमाओं को व्यंग संभव हो पाता है, ठीक। तीसरा साधनों का उचित संवन इसलिए वो बढ़ने लगता है, ठीक। घटते हैं इसलिए क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न में हो जाते हैं, क्योंकि पहला होता है कि साधनों की स्थिरता के कारण होते हैं, ठीक है। दूसरा अपूर्ण प्रतिस्थापकता के लिए, तीसरा है साधनों में कम सामान्यता के लिए, ठीक है। अब ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे किस में थी शॉर्ट में। दूसरा आता लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग प्रोडक्शन क्या है, मीन्स दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन जो उत्पादन जो फंक्शन है, दीर्घकालीन कैसी विधि होती है जब हम दोनों स्थिर एवं परवर्ती कारकों को बदल सकते हैं, और दीर्घकाल के उत्पादन पैमाने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फर्म के पास उत्पत्ति के साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है, और फर्म जिस रूप में चाहे उत्पत्ति के साधन को परिवर्तित कर सकता है। तो हमने लॉन्ग रन में क्या पढ़ा कि वे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, जितने भी इनपुट्स तुम हम इस्तेमाल करेंगे वो वेरिएबल होंगे, और लॉन्ग रन में हर चीज़ को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, हाँ वेरिएबल होंगे, ये चीज़ बताए। और शॉर्ट रन में क्या होता है, वन फैक्टर फिक्स्ड होता है, अदर फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब इसमें भी तीन होते हैं, एक बढ़ता प्रतिफल होता है, दूसरा घटता प्रतिफल, और तीसरा समानुपातिक प्रतिफल, ठीक।
बढ़ता प्रतिफल में बताया, बढ़ते प्रतिफल का दीर्घकाल में उपाय उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि, वृद्धि से अधिक है इसलिए बढ़ता प्रतिफल। घटता प्रतिफल दूसरा है कि पैमाने पर रिटर्न कम हो, घटने का मतलब है कि आउटपुट में वृद्धि इनपुट में आनुपातिक वृद्धि से कम है। ठीक, तीसरा समानुपाती कांस्टेंट जो है, यहाँ कांस्टेंट हो गया आउटपुट और यहाँ इनपुट। नेक्स्ट है कॉप डॉलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डॉलस प्रोडक्शन ने ये प्रोडक्शन फंक्शन जो बताया गया है, प्रोफेसर कॉम्प सुप्रिस अर्थशास्त्री जो एक प्रोफेसर डॉगलस ने मिलकर 1922 में उत्पादन पर श्रम तथा पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के प्रयास में एक सूत्र का आविष्कार किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो श्रम तथा पूंजी का उत्पादन के साथ साथ ठीक ठीक संबंध वेब कर सकें। इस सूत्र के अनुसार पी जो है बी एल टू द पावर के सी वन माइनस के, जहाँ पी का मतलब होता है उत्पादन मात्रा बी, ठीक है, और बी धनात्मक स्नातन, एल का मतलब श्रम हो गया, सी का पूंजी होता था, इसे उत्पादन एवं श्रम पूंजी में संबंध किया जा सकता है। तो ये था आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा।